मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुई मूसलाधार बारिश छात्रावास में रह रही छात्राओं के लिए आफत की बारिश साबित हुई। शुक्र है कि समय रहते छात्राओं को बचा लिया गया। दरअसल खालवा विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का आवासीय कन्या छात्रावास दो नदियों में आई बाढ़ के कारण घिर गया। जब छात्रावास परिसर में बाढ़ का पानी घुसने लगा तो सभी बालिकाओं ने छत पर चढ़कर मदद के लिए फोन लगाया। तब जाकर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से छात्राओं को बाहर निकाला जाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जब छात्राओं को बाहर निकाला गया तब छात्राएं बदहवास थी, जिनके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। सर जी, हमारे यहाँ ना पानी गिरने लगा एकदम से और बाढ़ बहुत आ गई और हमारे हॉस्टल में भी पानी भर गया। हमको मतलब निकलने की जगह भी नहीं थी, जान बचाने के लिए हम ऊपर छत पे गए और वहाँ पे भी पानी भरने लग गए और बहुत सारा सामान भी बह गए। हमारी लड़कियों के कपड़े भी, आधी लड़कियों की पेटियाँ भी बहने लग गई। बचाने के लिए कोई भी नहीं आए, लेकिन हमारे यहाँ के कर्मचारियों ने हमारी बहुत हेल्प की, इसलिए हम शायद हमारी जान बचा पाए। कितनी क्या बच्चियाँ थी उसमें फंसे हुए थे आप लोग? हम 190 लड़कियाँ हैं। पानी तो बहुत हो चुका था, आधी बिल्डिंग साइड डूब चुकी थी उसमें और हम लोग बहुत घबरा भी गए थे, लेकिन थोड़ी हिम्मत रखी हम लोगों ने भी और फोन भी लगाए तो सहायता के लिए उन्होंने हाँ भी करा था, लेकिन पानी कुछ ज़्यादा ही था। मैडम जी भी इधर ही खड़े थे, पानी तो मतलब हम निकलने वाले थे लेकिन नदी के जो इधर के कोई किनारे से और उधर के किनारे दोनों साइड से हमारे यहाँ की जो बाउंड्री वॉल है वो सारी टूट गई है पीछे की और पूरा पानी तेजी से बहा के मतलब हमारे हॉस्टल के अंदर घुस गया है। सारे रूम लॉक हो चुके हैं और पूरा पानी भी भर चुका है वहाँ पे, तो बहुत तापे थे वहाँ पे। समझ लीजिए 170-180 ऐसी लड़कियों की कुछ जान खतरे में उसमें थी, क्योंकि बाढ़ के दौरान कन्या छात्रावास में अधीक्षिका अनुपस्थित थी, जिसे के नियमानुसार छात्रावास में ही होना चाहिए था, लेकिन उसके नहीं होने से छात्राओं को खुद ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। उधर खालवा विकास खंड के CEO सुरेश टेमने ने यह बात स्वीकार करते हुए कहा कि 190 छात्राओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था और इसकी शिकायत उन्होंने खुद जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त को की है। जो कन्या शिक्षा परिषद है उसकी बच्चियां थी, बालिकाएं 183 बालिकाएं कुल हैं और चारों ओर पानी से घिर गया था उनका हॉस्टल और आकस्मिक रूप से पानी बढ़ने से बच्चियां उसी में मतलब निकल नहीं पाई थी, तो छत पे जाके वो रुकी, काफ़ी पानी के भर गया था और कुछ बाउंड्री वाल वगैरह भी वहाँ की डैमेज हो गई थी और जैसे ही फिर अभी पानी थोड़ा कम हुआ, काफ़ी तेज़ी से पिछले कुछ समय में काफ़ी पानी खाली हुआ, तो पैदल रास्ते से फिर उनको सभी बच्चियों को लाके दूसरे ये आवासीय कन्या परिसर जो है हॉस्टल उसमें उनको शिफ्ट किया है और सभी को चाय वगैरह की व्यवस्था भी कराई जा रही है और खाना वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ पे हो रही है, सभी को यहाँ पर अभी शिफ्ट कराया जा चुका है। बच्चे ने बताया सर हॉस्टल अधीक्षा थी नहीं, वहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ नहीं, हॉस्टल जी जी हॉस्टल अधीक्षिका अभी यहाँ बिल्कुल अनुपस्थित हैं। मैंने जो सहायक आयुक्त महोदय हैं जनजाति कार्य विभाग के, उनसे भी अभी दूरभाष पर चर्चा की है और अधीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सर को से कहा है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर यहाँ कोई नहीं है और ऐसी स्थिति में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अनंत महेश्वरी की रिपोर्ट,